ग्राफिक फोर्स से गुजरे तो आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप में दिन ब दिन नए नए रूल्स आते जा रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड मैसेज को ऊपर डिस्प्ले होने का हो कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है, या फिर व्हाट्सएप में 5 मैसेज को फॉरवर्ड करने की लिमिट हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नए नए रूल्स हमें क्यों लगाने पड़ रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। आपको शायद याद ही होगा कि पहले व्हाट्सएप में हम कोई मैसेज फॉरवर्ड करते थे उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं आता था कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है या नहीं, मगर आजकल हर मैसेज जो फॉरवर्ड होता है उसके ऊपर हमें ये मार्क दिखाई देता है कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है, और साथ ही हम कोई अगर मैसेज किसी को फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें भी हमें एक लिमिट मिलती है कि हम इस मैसेज को एक बार में 5 लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। ये इसमें व्हाट्सएप में नया रूल लगाया गया है। आखिर इन रूल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका सीधा सा कारण ये है कि जब भी कोई भी फेक न्यूज़ फैलाई जाती थी तो उसका सबसे पहला काम होता था व्हाट्सएप, यानी कि उस फेक न्यूज़ को सबसे पहले व्हाट्सएप पर फैलाया जाता था। इस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ये नए नए रूल्स लगाए गए हैं। इस इन रूल्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को लेटर लिखा कि इन फेक न्यूज़ को रोकने के लिए आप कोई ठोस कदम उठाएं। तो व्हाट्सएप कंपनी ने कई सारे न्यूज़पेपर्स में होल्डिंग दी, साथ ही साथ कई बड़े बड़े टीवी चैनलों पर एड्स दी कि इन फेक न्यूज़ को कैसे पहचाने और निक कैसे फॉरवर्ड होने से रोकें। जैसे कि व्हाट्सएप कंपनी ने एड्स दिए कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है, यानी कि आप कोई भी मैसेज, कोई भी न्यूज़ जो फेक न्यूज़ है उसे अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो पहले उसका सोर्स पहचाने कि ये फेक न्यूज़ आपको कहाँ से मिली और आप इसे क्यों प्रमोट करें। जैसे एक बार न्यूज़ आई थी कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ये नंबर डायल करते हैं 6699 तो आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आप जितने भी हैकर्स हैं वो सारे टेररिस्ट होते, क्योंकि हैकर के लिए एकदम आसान काम है कि वो किसी के भी मोबाइल में ये नंबर डायल करवा सकता है। और साथ ही जितने भी ये मोबाइल इंडस्ट्री की कंपनी है, ये भी दूसरी कंपनी के मोबाइल ऐसे ही अगर ब्लास्ट होते तो वो नए मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती थी ताकि उनके स्मार्टफोन ज़्यादा बिके। इसलिए ये न्यूज़ साफ साफ दिख रही है कि ये एक फेक न्यूज़ है, और मगर व्हाट्सएप इस न्यूज़ को ज़्यादा फैलाया जाता है और लोग इसे मानते भी हैं, क्योंकि इनमें लोगों की कोई गलती है, उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि वो सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर जो न्यूज़ आती है वो पूरी तरह सही है और असली है, इसलिए लोग इन न्यूज़ को ज़्यादा फैलाते हैं। और बात करें कि नहीं रोकने के लिए सरकार ने इतने नियम क्यों बनाए, क्योंकि जितनी भी फेक न्यूज़ थी इन्हें जब लोग देखते थे तो सरकार से सवाल करते थे कि आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहते हैं और आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मगर असलियत में वो कोई खबर होती ही नहीं थी, वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ होती थी। इसके लिए सरकार को इसके बारे में उनको जानकारी देनी पड़ती थी कि ये फेक न्यूज़ है, आप इसके पर ध्यान मत दीजिए। इन सभी फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार ने व्हाट्सएप को लेटर लिखा कि आप इन फेक न्यूज़ को रोकिए, इसलिए व्हाट्सएप ने ये नए नए नियम लगाए। इन्हीं फेक न्यूज़ के कारण व्हाट्सएप को नए नए रूल्स लगाने पड़े, जैसे कि आप कोई एक मैसेज 5 से ज्यादा लोगों को शेयर एक बार में नहीं कर सकते, और न कोई अगर आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो सामने वाले के पास वो लिखा जाएगा कि ये मैसेज उसने किसी दूसरे का मैसेज आपके पास फॉरवर्ड किया है, यानी कि आप कोई ग्रुप पर है तो आपको वहां पर भी साफ साफ दिखाई देता है कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है किसी दूसरे ग्रुप से, मगर आप दूसरे ग्रुप का नाम नहीं आता, सिर्फ ये आता कि ये मैसेज फॉरवर्डेड है। ये कई सारे रूल्स लगाए गए हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और ये रूल सिर्फ इंडिया में लागू किए गए हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में इतनी ज्यादा इसकी डिमांड नहीं है कि वहां पर ज्यादा फेक न्यूज फैलती है। इंडिया में फेक न्यूज ज्यादा फैल रही है, जब से जियो आया तब से फेक न्यूज कुछ ज्यादा ही हो गई, इसलिए इन सभी फेक न्यूज को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने नए नियम बनाए हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका है व्हाट्सएप को नए नए रूल्स क्यों लागू करने पड़ रहे हैं और इसका हमारे पास क्या फायदा होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।